हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैं ठीक हूँ और मैं स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से। तो आज मैं यहाँ पे जो मतलब आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है NEP के तहत जो पेडागोजी बनाना है, जो बाल वाटिका डिवाइड हुआ है हर एक स्टेज के लिए, कि जो NEP ने तय किया है कि कितने साल के बच्चे को किस एज ग्रुप में रखना है और उसको किस नाम से बुलाया गया है। तो उसमें मैं काम करती हूँ बाल वाटिका टीम में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बाल वाटिका के लिए आप पेडागोजी कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे उसको किन किन चरणों में बच्चों के अंदर आप भर सकते हैं और बच्चों का विकास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत लाभ होगा और आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया सुंदर लिखावट जिसमें लिखा है बाल वाटिका, क्योंकि मैं बाल वाटिका 3 में काम करती हूँ। और ये है जो एज ग्रुप है 5 से 6 साल के बच्चों के लिए, कि हम उनके अंदर कैसे विकास करें, उनके जितने सर्वांगी अंग हैं उनको कैसे मतलब उभार कर लाएँ सामने। तो इसमें उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी NEP के द्वारा कि आप पहले से 1 साल का प्लानिंग करें और उसको धीरे धीरे 3 चरणों में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 चरणों के मतलब द्वारा बच्चों में विकास करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें और इससे कुछ सीखें और मुझे भी कुछ अगर इसमें कुछ ये कर मतलब जोड़ना है तो मुझे भी बताएं, कमेंट करें। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ पे ये पेडागोजी बनाई हूँ अपने बच्चों के लिए और कैसे इनको उनके अंदर मुझे फील करना है और वो अपने जब इस ग्रुप से आगे निकले तो कैसे अपने अंदर ये सारा विकास कर पा रहे हैं। और मेरा द्वारा तो यही मतलब प्रयास रहेगा कि मैं उनके अंदर ये सारी चीज़ों को भरूं, जिससे कि जो मतलब इस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सफल हो और हम लोग को मतलब मुझे भी ये खुशी मिले कि अगर मैं ये काम की हूँ तो बच्चों के अंदर इसका विकास मैं कर पाई हूँ। तो इसी का सारा लेखा जोखा यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी को बोलते हैं पेडागोजी। तो कैसे बच्चों में शिक्षण विधियाँ जो हम लोग कूट कूट भर मतलब भर सकते हैं उसका यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है। तो आप लोग भी देखें, सीखें, और जो आप लोग सीखते हैं या आप लोग को कुछ पता है तो मुझे भी बताएं, जिससे मैं और कुछ जान पाऊं कि बच्चों के अंदर और किन माध्यम के द्वारा बहुत सारे गुणों का विकास मतलब किया जा सकता है या मैं कर सकती हूं, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मुझे दें। तो अभी आप लोगों ने जो मेरा पेडागोजी प्रोसेस देखा वो मेरे हैंड रिटन था और मैंने उसमें बहुत सारा ड्राइंग भी किया है, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। थैंक यू।